हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जहां एक ओर पानी की किल्लत तो दूसरी ओर हैंडपंप जमीन में दफन हो रहे। सोजत रोड कस्बे के फलौद रोड ओवरब्रिज के पास लगा हैंडपंप व दूसरा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगे हैंडपंप जो पूर्णतः मिट्टी में दब चुके हैं। फलौद रोड पर एक समय इसी हैंडपंप पर मोटर लगी थी जिससे पानी की सप्लाई से आधा कस्बे की प्यास बुझती थी। अभी भी ये हैंडपंप ट्यूबवेल के रूप में कस्बे वासियों की प्यास बुझा सकता है, लेकिन जलदाय विभाग की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये हैंडपंप धीरे धीरे पूर्णतः जमीन में दब जाएगा। यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो वहीं दूसरी ओर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सोजत रोड में दो हैंडपंप लगे हैं, जिसमें से एक हैंडपंप जमीन में दब चुका है जिसे ना तो वहां से हटाया जा रहा और ना सुचारू किया जा रहा, जिससे उस हैंडपंप की जगह विद्यालय की ओर से अन्य कोई निर्माण नहीं करवाया जा सकता है। प्रधानाचार्य अर्चना चौहान द्वारा कई बार जलदाय विभाग को अवगत करवाया, लेकिन हैंडपंप वहां से नहीं हटवाया जा रहा है। लगता है जलदाय विभाग नींद ले रहा है, विभाग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों हैंडपंप जमीन में दबे हुए हैं, मगर जलदाय विभाग की नज़र अभी हैंडपंप पर नहीं पड़ी कि समय रहते हुए इनको ठीक किया जाना मुनासिब नहीं समझा। न जाने कब जागेगा जलदाय विभाग। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए मोहल्लेवासी ललित तिवारी इन्होंने ये कहा। और बीच के पास ये जो पुराना हैंडपंप है ये पूर्ण रूप से दब चुका है मिट्टी में, जबकि इस हैंडपंप में पानी बहुत मात्रा में है, जिससे पुराने समय में मतलब आज से 5-6 साल पहले या इससे पूर्व में यहाँ पर ट्यूबवेल संचालित थी वाटरवर्क्स द्वारा, जिससे आधा कस्बा शास्त्री नगर संपत कॉलोनी सहित पुलाद रोड पानी की सप्लाई होती थी और पानी भरपूर था। लेकिन इसके बाद में यहाँ से ट्यूबवेल मोटर्स खोल दी गई और इस हैंडपंप को छोड़ दिया गया और आने वाले समय में इसकी स्थिति यह हो गई है कि ये पूरा जमीन में दब चुका है। जागरूक टीवी की सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।